अगर आप भी डेली YouTube पे वीडियोस बनाते हो ना, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से मालूम होगा कि अपने वीडियो में ऑडियो क्वालिटी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। मैं भी एक महीने से YouTube पे वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मेरी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं इस वीडियो में यही अपनी ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने वाला हूँ। तो अपनी ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए मैं लेके आया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूबन का CM21 माइक जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो ये माइक का हम लोग अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे वो माइक आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह देख सकते हैं, ये वो माइक है यूबन का CM21 करके आता है, रॉकस्टार वाला वेरिएंट है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक होता है रॉकस्टार और एक होता है मेटल स्टार। रॉकस्टार वाले में होता है जो इसमें जो क्लिप आती है होती है प्लास्टिक की, और जो मेटल स्टार होता है उसमें जो इधर जो कॉलर क्लिप होती है वो होती है मेटल की। बस फ़र्क उतना ही है, बाकी कुछ खास इसमें फ़र्क है नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग मैंने इसको पहले कर लिया है तो कुछ मतलब नहीं है। तो जैसे हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, हमको इसके अंदर एक माइक देखने को मिल जाता है जो कि है हमारा यूबन का CM21 माइक। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा वाला यूबन का माइक जो कि एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगता है, मतलब इतनी खास भी नहीं है और इतनी ख़राब भी नहीं है। मतलब एक अच्छी प्लास्टिक से बना हुआ है, इसका क्लिप जो है वो भी अच्छी प्लास्टिक से, और इसके हमको यहाँ पे रिमूवेबल ये स्पंज जैसा मिल जाता है। और ये एक ओमी डायरेक्शनल माइक है, यानी कि कुछ होता होगा उनका, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, माइक काम का ही होना चाहिए बस। तो हमको इसमें ये वाला माइक देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एक यूबन का सिंपल सा एक जैसे कंपनी के लिए लेबल डाल दिया इन लोगों ने, इसको तो हम लोग निकाल देंगे बाद में। और सबसे पहले तो हम लोग इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। और हाँ, सबसे खास बात इसमें हमको देखने को मिलता है 3.5 mm वाला जैक। अगर आपके पास ऐसा मोबाइल है जिसमें 3.5 mm का जैक नहीं है, तो इसके लिए आपको उसका जो कन्वर्टर आता है CPIN वाला कन्वर्टर जो फ़ोन के साथ आता है, आपको उससे इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। वैसे भी इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, जैसे कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप यूबन के और अच्छे माइक आते हैं आप उसके साथ जाओ। और ये भी माइक सिर्फ 200 रुपये में आता है, लेकिन जिस रुपये के मतलब जिस प्राइस पॉइंट पर ये आता है, ऐसा कोई माइक नहीं है जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। मेरे हिसाब से तो मैं इसको नंबर 1 दूंगा, क्योंकि इतना सस्ता माइक है और इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफर कर रहा है बस इनफ। और 200 रुपये में आप क्या और क्या एक्सेप्ट भी क्या कर सकते हो। यहाँ पे क्लिप मिल रही है आपको, पूरा माइक मिल रहा है, 1 मीटर लंबा वायर है, मेरा कैमरा इतना दूर रखा हुआ है फिर भी इसका वायर इतना ज़्यादा इसमें बज रहा है। तो आप लोग देख सकते हो इसका वायर भी बहुत लंबा है। यहाँ पे कुछ हमको 1.5 मीटर की केबल देखने को मिल जाती है। और हम बॉक्स पे देख लेते हैं और क्या मिलता है हमको। इसमें ये लिखा है इजी टू यूज़ प्लग एंड प्ले ऑप्शन भी है इसमें, मतलब हम जैसे ही डालेंगे हमको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही डाला और ये अपने आप वर्क करना चालू कर देगा यहाँ पे। और हमको मिल जाता है इंटेलिजेंस नॉइस कैंसलेशन, और यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है हाई सेंसिटिविटी स्टेबल परफॉर्मेंस। और यहाँ पे एक और ख़ास बात, ये मेड इन इंडिया इस पर लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम मेड इन इंडिया चाइना है। अगर आपको इस माइक की ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग लाता रहूं और प्रोडक्ट्स के रिव्यू करता रहूं। हाँ, और एक बात, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इस माइक को मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। और मैं कोई भी ऐसे नहीं प्रीफर करता हूँ कि आप यही माइक खरीदो, आप कोई दूसरा माइक ना खरीदो। अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आपका बजट 700-800 रुपये, तो आप वो बोया M1 करके माइक आता है आप उसके साथ जाओ, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा कम प्राइस पॉइंट पे। लेकिन मेरा बजट तो अभी इतना ही था इस टाइम के लिए, तो मैं यही माइक खरीद के लेके आया हूँ। और मैं आपको प्रीफर करता हूँ, अगर आपका बजट 200-300 रुपये, तो मैं आपको यही वाला माइक प्रीफर करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी देता है आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।